नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग के बारे में जानेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए और इनफैक्ट इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स का मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और हमसे जुड़ने का मौका मिले। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं और हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, GDNT या ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग के लिए जो इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है, टिपिकली ASME Y14.5 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड है। और जो भी करंट स्टैंडर्ड चल रहा है GDNT के लिए, ASME का 14.5 का 2018 वर्जन चल रहा है और इसका पुराना वर्जन जो था वो 2009 का वर्जन था और उसके पहले 1994, 1982 और इसके पहले भी काफी सारे और भी वर्जन रिलीज हो चुके हैं। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड रिफर करना चाहें तो लेटेस्ट स्टैंडर्ड 2018 वर्जन रिफर करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं GDNT की, तो आता है ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। तो बेसिकली ये टॉलरेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? ना, ज्योमेट्रिक डायमेंशन के लिए। तो दोस्तों, हमारे जो टॉलरेंसिंग टोटली होते हैं, ये इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल। तो जो डायमेंशनल टॉलरेंसिंग दोस्तों, इसको मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल में कवर किया हुआ है लिमिट फिट्स और टॉलरेंस के। तो ये टिपिकली जो डेफिनेशन होता है डायमेंशन टॉलरेंस का, द टोटल अमाउंट बाय विच स्पेसिफाइड डायमेंशन इज परमिटेड टू वेरी। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो कोई भी डायमेंशन अगर है तो उसमें कितना वेरिएशन आप परमिट कर रहे हैं वो उसका हो गया डायमेंशनल टॉलरेंस हो गया। लेकिन हमारा फोकस इस मॉड्यूल में ये ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट रहेगा। और डायमेंशनल टॉलरेंसिंग के लिए टिपिकली हम ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको रिफर करते हैं। तो दोस्तों, टिपिकली अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं डायमेंशनल टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस होता है हमारा दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस जो होता है उसमें हम एक साइड में परमिशन देते हैं, चाहे वो अपर साइड में हो गया या लोअर साइड में हो गया, है ना। और बायलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, अपर और लोअर दोनों साइड में टॉलरेंस होता है। आइए दोस्तों, अब जरा हम GDNT को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, GDNT जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। तो इसमें बेसिकली दो चीजें आ गई, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन और टॉलरेंसिंग। तो पहले अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल डायमेंशन की, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हो गए वो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कंसेंट्रिसिटी होगी, पैरेललिटी होगी, फ्लैटनेस होगी, वगैरह वगैरह, ये सारे हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। और टॉलरेंस ऑलरेडी हमने समझ लिया है, यानी कि टॉलरेंस हो गया वो परमिसिबल वेरिएशन। क्योंकि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम कोई भी पार्ट बना रहे हैं तो पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते समय में वेरिएशन तो होगा ही होगा, है ना। तो कितना वेरिएशन परमिसिबल है, वो वेरिएशन जो परमिसिबल होता है उसे हम टॉलरेंस के रूप में ड्रॉइंग में इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों, GDNT जो हो गया एक सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गया, जिसे कि हम इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे फीचर ज्योमेट्री होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसेंट्रिसिटी हो गई, फ्लैटनेस हो गई, पैरेललिटी वगैरह हो गए, तो उसमें कितना डेविएशन परमिटेड है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, GDNT का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में, अगर हम बात करें 15-20 सालों में, काफी ज्यादा बढ़ गया है। जब से ISO 9000 स्टैंडर्ड, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 9001, और शुरुआत में वैसे 9001, 2 और 3 थे, अब 9001 हो गया है। तो उसके इवोल्यूशन के बाद में GDNT काफी प्रचलन हो गया, क्योंकि चीजों को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी हो गया। तो GDNT में हम स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं सारे फीचर ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए कि उसमें कितना वेरिएशन अलाउबल है। और GDNT को काफी बार फीचर बेस्ड डायमेंशनल टॉलरेंसिंग भी कहा जाता है या ट्रू पोजिशन डायमेंशनल टॉलरेंसिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि GDNT के आखिर बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि GDNT जो है ये एक इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी कि हर एक कंट्री में हम उस सिंबल को, जो फीचर को इंडिकेट करते हैं, उसको देख के ड्राइंग में जान सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है किस फीचर की बात कर रहा है,
और उसमें कितना टॉलरेंस अलाउबल है। जीडीएनटी में हम काफी सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ रूल्स और कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो कि टिपिकली हमारे मैकेनिकल पार्ट्स में फीचर ज्योमेट्री को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि हमारे ड्रॉइंग्स में यूनिफॉर्मिटी होती है, प्रोडक्ट का डिजाइन बेटर होता है, टॉलरेंसेस काफी लार्ज हम रख सकते हैं और इसमें कोई अजम्पशंस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो चाहिए रिक्वायरमेंट जो है उसको सिंबोलिकली हमने ड्रॉइंग में एक्यूरेटली डिफाइन किया है। और इसका इस्तेमाल मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ASME Y14.5 2018 वर्जन है, और इसका जो ओल्डर वर्जन था ASME Y14.5 2009 वर्जन था। आइए दोस्तों, अब हम GD&T में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, टिपिकली GD&T में 14 मेन ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको ब्रॉडली 5 कैटेगरी में उनके ज्योमेट्रिकल कंट्रोल के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो आइए जरा उन 5 कैटेगरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला कैटेगरी जो है वो है फॉर्म कैटेगरी, यानी कि फॉर्म वाले सारे फीचर्स, उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा जो हो गया वो प्रोफाइल फीचर्स हो गए, और थर्ड जो हो गया वो ओरिएंटेशन से रेफरेंस वाले फीचर्स हो गए, फोर्थ जो हो गया वो हो गया लोकेशनल फीचर्स, और फिफ्थ जो हो गया वो है रनआउट से रिलेवेंट फीचर्स। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 5 कैटेगरीज हो गए जो कि 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करते हैं, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी जान लेते हैं। तो फॉर्म वाले फीचर्स में दोस्तों टोटल 4 फीचर्स हैं, प्रोफाइल वाले में 2 फीचर्स हैं, ओरिएंटेशन में 3 फीचर्स हैं, लोकेशन में 3 फीचर हैं, और रनआउट में 2 फीचर्स हैं। तो टोटल हमारे 14 फीचर्स होते हैं। ये हमारे मेन फीचर्स हैं। वैसे इसके अलावा कुछ और भी सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, हम उनको आगे में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब सिंबल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, हम इनको 3 पार्ट में जानेंगे कि कौन कौन से सिंबल है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो दोस्तों, पहला कैटेगरी जो है ये फॉर्म कैटेगरी है, और फॉर्म कैटेगरी में टोटल 4 फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलिंड्रिसिटी। और ये इसके GD&T के सिंबल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड सिंबल्स है, और यूनिवर्सली सेम सिंबल्स को हर एक जगह में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी दोस्तों प्रोफाइल फीचर्स हैं, और इसमें 2 तरह के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, और ये इनके सिंबल्स हैं। थर्ड कैटेगरी हमारा दोस्तों हो गया ओरिएंटेशन से रिलेवेंट फीचर्स, इसमें 3 फीचर्स हैं, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म, और इनके ये 3 सिंबल्स हैं। चौथा जो हमारा कैटेगरी है दोस्तों, ये है लोकेशनल फीचर्स, और इसमें 3 फीचर्स हैं, पोजिशनल, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्री, और इनके ये सिंबल्स हैं। और लास्ट जो हमारा कैटेगरी जो कि 5वां कैटेगरी भी है, ये है रन आउट फीचर्स हैं, और इसमें 2 तरह के रन आउट का टिपिकल हम इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट, और इनके ये सिंबल्स हैं। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 5 कैटेगरी और उनसे रिलेवेंट ये 14 फीचर्स। आइए इनको जरा हम जानते हैं इनका रेफरेंस और इनका डाटम के रेफरेंस से इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम टाइप्स ऑफ फीचर्स की बात करें, तो पहला हमारा जो कैटेगरी है फॉर्म, ये सारे के सारे इंडिविजुअल फीचर्स हैं, यानी कि इनका डेटम से कोई रेफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, अगर डेटम की हम बात करें तो ब्रॉड लेवल अगर हम बताएं तो डेटम का मतलब होता है तल, यानी कि वो रेफरेंस पॉइंट जिसके रेफरेंस से हम किसी फीचर्स को मेजर करते हैं। तो कुछ कुछ फीचर्स में हमको रेफरेंस लेना जरूरी है, यानी कि डेटम लेना जरूरी है, और काफी सारे फीचर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा जो फॉर्म वाला फीचर्स है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलिंड्रिसिटी, ये सारे इंडिविजुअल फीचर्स हैं, इसमें कोई भी डाटा रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड जो हमारा कैटेगरी दोस्तों, ये प्रोफाइल फीचर्स है, और ये जो प्रोफाइल फीचर्स है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और रिलेटेड फीचर भी हो सकता है, यानी कि इसको आप इंडिविजुअली मेजर कर सकते हैं या डाटा के रेफरेंस से भी मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी के जो 3 कैटेगरीज हैं, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट, ये सारे के सारे रिलेटेड फीचर्स हैं और इनमें डेटम रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें एंगुलरिटी या परपेंडिकुलरिटी, तो आप देख सकते हैं, अगर हम परपेंडिकुलरिटी की बात करें तो परपेंडिकुलर विथ रेफरेंस टू व्हाट, है ना, यानी कि किसके रेफरेंस से परपेंडिकुलर है, तो हमको कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेटम, यानी कि तल, है ना। और जो तल होते हैं टिपिकली
तीन तरह के होते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलरिटी मेजर करते हैं या हम पैरेललिटी मेजर करते हैं, एंगुलरिटी मेजर करते हैं वगैरह वगैरह, और भी बाकी फीचर्स हैं, तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस या डेटम पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन पांचों कैटेगरी ऑफ फीचर्स को हम समझ सकते हैं कि किसमें डेटम की जरूरत पड़ती है, किसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये वाले जो तीन कैटेगरी है, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट वाले फीचर्स, इसमें डेटम मस्ट है, रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। जबकि पहला वाला जो फॉर्म वाला है, इसमें डेटम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोफाइल वाले में जरूरत पड़ भी सकती है या नहीं भी पड़ सकती। तो दोस्तों हमने 14 GDNT के मेन सिंबल्स के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं मॉडिफायर्स और उससे रिलेवेंट सिंबल्स के बारे में। तो दोस्तों मॉडिफायर जो होते हैं, ये वो सिंबल्स होते हैं जो हमारे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस जोन्स के कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों मॉडिफायर जो होते हैं हमारे 6 तरह के होते हैं। पहला जो मॉडिफायर है वो है LMC, यानी कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन। इसको सर्कल के अंदर में L के रूप में लिखा जाता है। दूसरा जो है वो है MMC, यानी कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। इसे सर्कल के अंदर में M के रूप में लिखा जाता है। थर्ड जो है वो है टेंजेंट प्लेन। इसको सर्कल के अंदर में T के रूप में लिखा जाता है। फोर्थ जो है प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन, इसको सर्कल के अंदर में P। और फिफ्थ जो है फ्री स्टेट, इसको सर्कल के अंदर में F। और छठा जो है ये डायमीटर। तो दोस्तों ये 6 मॉडिफायर्स हैं जो कि मेरे टॉलरेंस जोन के कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। दोस्तों इसके अलावा काफी सारे और भी एडिशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया था GDNT में। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं बहुत सारे सिंबल्स हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है GDNT के रूप में ड्रॉइंग में। आइए दोस्तों हम समझते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये कंट्रोल फ्रेम है, यानी कि फीचर कंट्रोल फ्रेम है, यानी कि फीचर्स को यहां पर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर फीचर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है। तो यहां पर कौन सा फीचर है, यहां फीचर मेरा जो है पोजीशन का है, ठीक है ना। तो इस फ्रेमवर्क में आप देख सकते हैं कि काफी सारे अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, ये है वो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल है जिसके बारे में हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल है ये है पोजीशन का। यहां पर जो सिंबल दिया गया दोस्तों, ये टॉलरेंस जोन डिस्क्रिप्टर का है। और जो ये 0.003 देख रहे हैं, ये हमारा टॉलरेंस है। यहां पर जो दिखाया गया है हमारा मटेरियल कंडीशन है, यानी कि M लिखा गया है सर्कल के अंदर में। इसका मतलब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन जहां पर कि मटेरियल जो है मैक्सिमम कंडीशन में होगा। और यहां पर हमारा जो दिखाया गया है, ये तीनों के तीनों डेटम पॉइंट्स हैं, डेटम A, B और C। ये मेरा प्राइमरी डेटम है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी डेटम है। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें फीचर फ्रेम को, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ फीचर मस्ट बी विद इन 0.003 डायमेंशन टॉलरेंस जोन एट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रिलेटिव टू डेटम A, B और C। यानी कि एक पर्टिकुलर डाया का जो पोजीशन है 0.003 में चाहिए और मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में चाहिए, जिसको कि हम डेटम A, B और C के रेफरेंस से चेक करें। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों फीचर कंट्रोल फ्रेम का। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं, यही बात कर रहा है कि डायमीटर का पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि डायमीटर का पोजीशन चाहिए 0.003 में मैक्सिमम मेटल कंडीशन में, जिसमें कि डेटम ए जो है इसका रेफरेंस भी लेना है और इसमें मैक्सिमम मेटल कंडीशन लेना है और विथ रेफरेंस टू डेटम बी भी होना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम पहला कैटेगरी ले लेते हैं और उसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, फॉर्म फीचर। तो दोस्तों अगर हम फॉर्म फीचर की बात करते हैं, तो इसमें ये इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं, इसमें कोई भी डेटम रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें 4 फीचर जो होते हैं ब्रॉडली। पहला जो है फ्लैटनेस का है, दूसरा है स्ट्रेटनेस है, थर्ड जो है सर्कुलरिटी है और फोर्थ जो है सिलेंड्रिसिटी है। तो दोस्तों पहला लेते हैं फ्लैटनेस फीचर। तो दोस्तों फ्लैटनेस फीचर जो है, इसका सिंबल जो हो गया ये सिंबल हो गया, इसमें डेटम रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन की बात करें, तो इसमें एप्लीकेबल होता है। और ड्रॉइंग में फ्लैटनेस के सिंबल को इस तरीके से दिखाया जाता है, इसका मतलब इस पार्ट का फ्लैटनेस चाहिए 0.03 में चाहिए। तो दोस्तों फ्लैटनेस को अगर हम मेजरमेंट करने की बात करें, तो इसको मेजरमेंट करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। यहां पर जो तरीका एक दिखाया गया, एक सिंपल सा तरीका है, जिसमें कि जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग प्लंजर डायल से या लीवर डायल से हम लोग डायल को हाइट गेज में लगा के, और हम जब डायल को मूव करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम वेरिएशन निकलेगा वो हमारा फ्लैटनेस होगा, है ना।
वैसे काफी सारे जगहों में मटेरियल के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए फिलर गेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो फिलर गेज को आप साइड से लगा के आप चेक कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम थिकनेस का फिलर गेज पास हो गया तो फ्लैटनेस उतना होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फिलर गेज है आप सिर्फ एजेस में लगा सकते हैं, तो अगर आपके पार्ट्स के बीच में अगर कुछ वेवीनेस वगैरह हो तो आप उसको चेक नहीं कर सकते। दूसरा हमारा जो फॉर्म फीचर है दोस्तों वो है स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का सिंबल हो गया दोस्तों ये सिंबल हो गया, इसमें भी डाटा रेफरेंस की जरूरत नहीं है। और अगर हम एमएमसी और एलएमसी की अगर बात करें तो इसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्सियल स्ट्रेटनेस के लिए। यानी कि दोस्तों हमारा जो स्ट्रेटनेस होता है दो तरीके का होता है, एक होता है सरफेस स्ट्रेटनेस, दूसरा होता है एक्सिस स्ट्रेटनेस। तो एमएमसी या एलएमसी का जो जरूरत पड़ता है एप्लीकेबिलिटी बनती है वो एक्सिस स्ट्रेटनेस में पड़ती है। और अगर हम लोग ड्रॉइंग में सिंबल के इंडिकेशन की बात करें तो सरफेस स्ट्रेटनेस को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यानी कि यहां पर इस पार्ट में यहां पर जो इस फीचर्स की जो स्ट्रेटनेस की रिक्वायरमेंट है 0.03 में चाहिए, ये हो गया सरफेस का स्ट्रेटनेस, यानी कि सरफेस का स्ट्रेटनेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो हो गया वो हो गया एक्सिस स्ट्रेटनेस विथ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो यहां पर आप सिंबल देख सकते हैं, तो यहां पर मांग की गई है कि जो बार है इस बार का स्ट्रेटनेस चाहिए 0.03 में विथ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो दोस्तों अगर सरफेस स्ट्रेटनेस को मेजरमेंट करने की अगर बात करें तो इसको भी मेजरमेंट करना काफी आसान है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मेजरमेंट जो करते हैं दोस्तों प्लंजर या लीवर डायल से करते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पार्ट को हमने ट्रू किया, ट्रू करने के बाद में हम प्लंजर डायल को इसके सरफेस में हम मूव करेंगे और जो मैक्सिमम वेरिएशन हमको मिलेगा, जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हमको मिलेगा वो उसका सरफेस स्ट्रेटनेस कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जीडीएनटी का सिंबल है दोस्तों वो है सर्कुलरिटी, और सर्कुलरिटी का जो सिंबल हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें भी डाटम का रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही मैक्सिमम मेटल कंडीशन और लीस्ट मेटल कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी इसमें होती है। और अगर हम लोग ड्रॉइंग में अगर बात करें दोस्तों तो ड्रॉइंग में सर्कुलरिटी को इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि यहां पर इस पार्ट में जो सर्कुलरिटी मांगी गई है 0.03 में मांगी गई है। दोस्तों सर्कुलरिटी को राउंडनेस भी कहा जाता है और ये टू डायमेंशनल टॉलरेंस है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि सर्कुलरिटी को मेजरमेंट कैसे करें। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों आपका एक ऐसा पार्ट है ना, आप इस पार्ट को क्या कर सकते हैं, आप इस पार्ट को बिटवीन सेंटर लगा सकते हैं या आप इस पार्ट को वी ब्लॉक में लगा के जिस पॉइंट में आपको सर्कुलरिटी चेक करनी है उस पॉइंट में प्लंजर डायल को पोजिशन कर लें और पार्ट को आप घुमाएं तो पार्ट में जितना मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इंडिकेटर में दिखाएगा प्लंजर डायल में वो आपका सर्कुलरिटी कहलाएगा। अगला जो हमारा फीचर है दोस्तों वो है सिलेंड्रिसिटी, और सिलेंड्रिसिटी को दोस्तों हम इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, और ये जो है इसमें भी डाटम रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी भी यहां पर नहीं होती है, और ड्राइंग में इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इस पार्ट की सिलेंड्रिसिटी जो है चाहिए 0.03 में चाहिए। और जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि सर्कुलरिटी जो होता है ये टू डायमेंशनल टॉलरेंस होता है, जबकि सिलेंड्रिसिटी जो है ये थ्री डायमेंशनल टॉलरेंस है। यानी कि सिलेंड्रिसिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रू सिलेंडर से कितना क्लोज में है, हम इसको चेक करके और जो रिजल्ट आता है उसको एज ए सिलेंड्रिसिटी हम रिजल्ट में दिखाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि सिलेंड्रिसिटी को मेजर कैसे करें। तो दोस्तों सिलेंड्रिसिटी को मेजर करने का तरीका जैसे कि हमने सर्कुलरिटी चेक किया था लगभग उसी तरीके का होगा, लेकिन सर्कुलरिटी में हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग पार्ट को हम मूव करते हैं बिटवीन सेंटर या वी ब्लॉक में रख के, लेकिन सिलेंड्रिसिटी में हम उसको थ्रू आउट द सरफेस मूव करेंगे प्लंजर डायल को और जो मैक्सिमम वेरिएशन दिखाएगा उसको हम लोग एज ए सिलेंड्रिसिटी मेजर एज ए रिजल्ट हम लोग इंडिकेट करेंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं ओरिएंटेशन रनआउट और लोकेशनल फीचर्स को, और दोस्तों इस केस में हमें डेटम रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं प्रोफाइल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हम प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। तो दोस्तों प्रोफाइल ऑफ ए लाइन के लिए हम जीडीएनटी का सिंबल इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और डेटम का रेफरेंस इसमें ऑप्शनल होता है और एमएमसी और एलएमसी का एप्लीकेबिलिटी यहां पर नहीं होता है। और दोस्तों प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को हम फीचर फ्रेम में इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन जो है ये 0.03 में चाहिए विथ रेफरेंस टू डेटम ए और बी। डेटम ए जो मेरा है यहां पर है और डेटम बी जो है मेरा यहां पर है। दोस्तों यहां पर आपको एक बात और याद रखने की जरूरत है कि जितने भी डेटम पॉइंट मेरे होते हैं चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सारे डेटम पॉइंट एक दूसरे के 90 डिग्री में होंगे। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि डेटम ए जो है ये बी से
90 डिग्री में है। आगे दोस्तों हम समझते हैं कि प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को हम चेक कैसे करें। तो दोस्तों टिपिकली प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को हम सीएमएम में यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में चेक करते हैं। वैसे दोस्तों काफी सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि जीडीएनटी में हम लोग देख रहे हैं उसको हम सीएमएम में मेजर करें तो बेहतर है। बाकी जो दूसरा तरीका है प्लंजर डायल का हाइट गेज में लगा के आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे फीचर्स में बहुत कंस्ट्रेंट होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं एक्चुअल रीडिंग लेने में। तो एज फार एज पॉसिबल अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं तो उसको सीएमएम में चेक कर ले तो बेहतर है। तो दोस्तों प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को चेक करने के लिए हमें एक ट्रू प्रोफाइल पहले लेना पड़ेगा और ट्रू प्रोफाइल के रेफरेंस से हम जिस पार्ट का प्रोफाइल हम चेक करना चाहते हैं उसके रेफरेंस से हम इसका प्रोफाइल को चेक करेंगे और जो वेरिएशन दिखाएगा वो हमारा प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का रिजल्ट कहलाएगा। अगला जो हमारा फीचर है दोस्तों प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है। तो दोस्तों प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का हमारा जीडीएनटी का सिंबल ये है और डेटम का रेफरेंस इसमें ऑप्शनल है, एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं होती है। और अगर हम लोग ड्रॉइंग की बात करें तो ड्रॉइंग में हम उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मेरा प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस जो है यहाँ पे इस सरफेस का प्रोफाइल जो है 0.03 में चाहिए विथ रेफरेंस टू डेटम ए और बी। इस डेटम ए और डेटम बी के रेफरेंस से ये जो प्रोफाइल है इस सरफेस का ये चाहिए 0.03 में। तो दोस्तों यहां पर हमने प्रोफाइल ऑफ ए लाइन देखा, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस देखा। तो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन जो है दोस्तों ये टू डायमेंशनल मेजरमेंट है या टॉलरेंस है, जबकि प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस जो है ये थ्री डायमेंशनल टॉलरेंस है। यानी कि हमने जो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन में हमने एक पॉइंट में हमने मेजरमेंट लिया था, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस में हम थ्रू आउट द सरफेस में हम प्लंजर डायल को मूव करेंगे और उसका रिजल्ट लेंगे। जो मैक्सिमम वेरिएशन दिखाएगा वो हमारा रिजल्ट होगा प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मुझे इस पार्ट का प्रोफाइल अगर चेक करना प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है ना, तो मुझे प्लंजर डायल को थ्रू आउट द सरफेस में मूव करना है और जो मेरा वेरिएशन दिखाएगा मैक्सिमम वेरिएशन वो मेरा प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस हो जाएगा। जबकि हम प्रोफाइल ऑफ ए लाइन में एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही हम लोग प्लंजर को मूव करते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस को मेजर करने के लिए सीएमएम बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सीएमएम में जो आपका पार्ट है पार्ट का जो 3D स्कैन होगा उस 3D स्कैन के रेफरेंस से जो प्रोब है इसके पूरे सरफेस को ट्रेस करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, जो कि आपका मैनुअल तरीके से मेजरमेंट करने में उतनी एक्यूरेसी में नहीं आएगा। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस हैं तो रिकमेंडेड है कि आप सीएमएम का इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों हमने अभी तक काफी बार डेटम का रेफरेंस ले लिया है, डेटम के बारे में बात किया है, तो डेटम को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों डेटम जो होता है इसका मतलब होता है तल, यानी कि जो हम डायमेंशनल मेजरमेंट ले रहे हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें कि कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है हमारा वो डेटम कहलाता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल एग्जैक्ट प्लेन है जिसके रेफरेंस से हम कोई डायमेंशनल मेजरमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों डेटम को हम टिपिकली इस तरीके से डिनोट करते हैं, और डेटम जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम और टर्शियरी डेटम। और तीनों के तीनों डेटम जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ओरिएंटेशन टॉलरेंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ओरिएंटेशन टॉलरेंस में हमारे तीन फीचर्स आ जाएंगे, तीन टॉलरेंस आ जाएंगे, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी और पैरेललिज्म। अगर परपेंडिकुलरिटी की बात करें दोस्तों तो इसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जीडीएनटी में। इसमें डेटम रेफरेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब हम परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं तो परपेंडिकुलरिटी किसी के रेफरेंस से ही हो सकता है और एमएमसी या एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी हमें बनती है। और परपेंडिकुलरिटी दोस्तों दो तरीके से हो सकती है, पहला जो हो गया सरफेस परपेंडिकुलरिटी और दूसरा जो हो गया एक्सिस परपेंडिकुलरिटी, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि परपेंडिकुलरिटी को मेजर कैसे करें, और यहां पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं हम सरफेस परपेंडिकुलरिटी को मेजर करने का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर हमने एक डेटम ब्लॉक लिया है, फ्लैट डेटम ब्लॉक लिया है, आप इसे गेज ब्लॉक भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने एज ए डेटम पॉइंट लिया हुआ है और जो पार्ट मेरा यहां पर रखा हुआ है, और यहां पर हम इस प्लेन की परपेंडिकुलरिटी विथ रेफरेंस टू ये जो मेरा डेटम प्लेन है इसके रेफरेंस हम चेक कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे प्लंजर डायल को हाइट गेज में लगा के हम इसको मूव करेंगे और जितना वेरिएशन दिखाएगा जो फ्लक्चुएशन दिखाएगा वो मेरी परपेंडिकुलरिटी कहलाएगी। अगला जो हमारा सिंबल है दोस्तों ये है एंगुलरिटी का, और इसके लिए हम जीडीएनटी सिंबल हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
और डेटम का रिलेवेंस यहां पर है और एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी यहां पर बनती है। तो दोस्तों अगर ड्राइंग में अगर हम लोग बात करें तो एंगुलरिटी को हम इस तरीके से सिंबल में डिनोट करते हैं और यहां पर जो दिखाया गया है कि इस प्लेन की जो एंगुलरिटी है विथ रेफरेंस टू डेटम प्लेन जो है जो कि ए है ना, ये 0.03 में चाहिए। तो दोस्तों एंगुलरिटी को एंगल से कंफ्यूज मत होइएगा, जो हम जनरल डायमेंशनल टॉलरेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पार्ट का जो डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, लेकिन एंगुलरिटी दिया है 0.03 में दिया हुआ है, यानी कि जो डिग्री है वो तो है ही, हमें एंगुलरिटी यहां पर चाहिए 0.03 में। अब इस एंगुलरिटी को हम कैसे मेजर करेंगे और यहां पर हम लोग क्या करें दोस्तों, इस पार्ट को चेक करने के लिए जितना भी डिग्री दिया गया है यहां पर, सपोज 60 डिग्री का अगर दिया गया है तो हम गेज ब्लॉक लेंगे, साइन बार में हम इसको उतने डिग्री में हम लोग सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में आइडियली ये आपका जो पोर्शन है ये फ्लैट हो जाना चाहिए, है ना। अब ये फ्लैट हो गया क्योंकि यहां पर 60 डिग्री दिया था और हमने इसको 60 डिग्री के एंगल में हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो प्लेन है जिसकी एंगुलरिटी दी गई है 0.03 में, ये फ्लैट हो गया है, यानी कि पैरेलल टू ये जो प्लेन है हमारा, है ना, इसके साथ में ये पैरेलल हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हाइट गेज में प्लंजर डायल को लगा के इसको मैं मूव करूंगा और जो भी फ्लक्चुएशन दिखाएगा, जितना वेरिएशन दिखाएगा, वो रीडिंग मेरी एंगुलरिटी कहलाएगी। तो दोस्तों एक तरीके से हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको 60 डिग्री में रख के, जो कि इस पार्ट का एंगल था, है ना, अब चूंकि मुझे इसका एंगुलरिटी मेजर करना है तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इसको पैरेलल में रख के यहां पर एक तरीके से इसका मैं फ्लैटनेस मेजर कर रहा हूं और जो वेरिएशन दिखा रहा है वो मेरी एंगुलरिटी कहलाएगी। अगला जो हमारा फीचर है दोस्तों वो है पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म को हम जीडीएनटी सिंबल में इस तरीके से डिनोट करते हैं। डेटम का रेफरेंस तो ऑफकोर्स यहां पर है ही क्योंकि पैरेलल है विथ रेफरेंस टू समथिंग होगा ही होगा, है ना, और एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी यहां बनती है। और ड्राइंग में दोस्तों हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो है पैरेललिटी 0.003 में विथ रेफरेंस टू डेटम ए। तो डेटम ए जो मेरा हो गया, ये वाला प्लेन हो गया जो कि मेरा बेस है, तो बेस की रेफरेंस से इस प्लेन का जो पैरेललिटी है 0.003 में चाहिए। दोस्तों पैरेललिटी को मेजर करना काफी आसान है, जिस फेस का हमें पैरेललिटी जिस डेटम रेफरेंस के हमें चेक करना है उसके लिए हमें डेटम बनाने के लिए एक गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। गेज ब्लॉक जो हो गया है मेरे डेटम का काम करेगा और उसके बाद में जिस फेस का मुझे पैरेललिटी चेक करना है, मैं प्लंजर डायल को यहां पर मूव करूंगा और जो वेरिएशन दिखाएगा वो मेरा पैरेललिज्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं लोकेशनल टॉलरेंस के बारे में, और लोकेशनल टॉलरेंस में तीन होते हैं, पोजिशन, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्री। पोजीशन टॉलरेंस जो दोस्तों, पोजीशन टॉलरेंस के लिए हम जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और डेटम का रेफरेंस इसमें होता है, एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी इसमें होती है। और अगर हम ड्राइंग में बात करें तो यहां पर जो फीचर कंट्रोल फ्रेम आप देख सकते हैं, इसमें पोजीशन जो है होल का 0.03 में चाहिए विथ रेफरेंस डेटम ए और बी। और दोस्तों अगर ट्रू पोजिशन के मेजरमेंट करने की बात करें तो इसका जनरली मेजरमेंट जो होता है वो सीएमएम से किया जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगला जो फीचर है दोस्तों वो हमारा है कंसेंट्रिसिटी टॉलरेंस, और कंसेंट्रिसिटी का जो सिंबल है ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डेटम का रेफरेंस इसमें होता है, एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं होती है। ड्राइंग में दोस्तों हम इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर कंसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए दोस्तों हम विथ रेफरेंस टू डेटम ए चेक करेंगे, तो जो भी डेटम मेरा ओडी है ना, इस पार्ट को अगर मुझे चेक करना है कंसेंट्रिसिटी, तो इसको मैं बी ब्लॉक में सेट कर लूंगा, डेटा मेरा सेट हो गया, और इसको मैं रोटेट करूंगा, मेरा प्लंजर डायल जो है मैं इस फेस में इसको सेट कर लूंगा, और सेट करने के बाद में मेरा जो वेरिएशन दिखाएगा वो वेरिएशन मेरा कंसेंट्रिसिटी कहलाएगा। अगला जो सिंबल है दोस्तों वो हमारा है सिमेट्री सिंबल, और इसके लिए जीडीएनटी का हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। डेटम रेफरेंस की जरूरत इसमें पड़ती है और एमएमसी और एलएमसी की अवेलेबिलिटी इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों ड्रॉइंग में हम सिमेट्री को हम इस तरीके सिंबल से दिखाते हैं, यानी कि सिमेट्री चाहिए यहां पे 0.03 में चाहिए विद रेफरेंस टू डेटम ए। तो डेटम मेरा ए ये हो गया। आइए अब जानते हैं कि इसको हम मेजरमेंट कैसे करें। तो दोस्तों सिमेट्री को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको डेटम प्लेन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और डेटम प्लेन एस्टैब्लिश करने के बाद में बेसिकली हमें देखना है कि ये जो फेस है, यानी कि ये जो प्लेन है और इधर वाला प्लेन जो है, ये डेटम प्लेन से
क्या इक्वल डिस्टेंस में है, आइडियली 0-0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो वेरिएशन अलाउड है, जो टॉलरेंस है 0.03 का दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटम प्लेन को एस्टैब्लिश करने के बाद में प्लंजर डायल को यहां मूव करेंगे और उसके बाद में प्लंजर डायल को हम यहां मूव करेंगे और दोनों में जो डिफरेंस दिखाएगा वो मेरा सिमेट्री का टोटल वेरिएशन हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रन आउट टॉलरेंस के बारे में। और इसमें दो तरह के टॉलरेंस होते हैं, पहला जो है सर्कुलर रन आउट है और दूसरा जो है टोटल रन आउट। तो पहले समझ लेते हैं सर्कुलर रन आउट को। तो दोस्तों सर्कुलर रन आउट का जो सिंबल होता है इस तरीके से दिखाया जाता है और इसमें डेटम के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं होती है और ड्राइंग में हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों रनआउट का मतलब हो गया कि ये जो मेरा रनआउट का जो फीचर है विद रेफरेंस टू डेटम, तो डेटम को जब मैं 360 डिग्री में रोटेट करता हूं तो यहां पर जो वेरिएशन दिखाता है वो वेरिएशन मेरा कितना है। और फिलहाल मैं यहां पर जो दिया गया ऑल ओवर टॉलरेंस 0.03 का दिया है, तो इसको अगर मुझे मेजरमेंट करना है, यानी कि मुझे अगर रनआउट को मेजरमेंट करना है दोस्तों, और डेटम मेरा अगर ये दिया गया है तो डेटम को मैं क्या करूंगा, फिक्स कर लूंगा, यानी कि इसको बी ब्लॉक में लगा लूंगा। बी ब्लॉक में लगा के मैं प्लंजर डायल को यहां पर सेट कर दूंगा और इसको मैं रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद में प्लंजर डायल जो मुझे वेरिएशन दिखाएगा, जब मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो जो भी वेरिएशन मुझे दिखाएगा वो मेरा सर्कुलर रनआउट कहलाएगा। अगला जो रनआउट है दोस्तों ये है टोटल रनआउट, और टोटल रनआउट को हम इस तरीके से डबल एरो के सिंबल से दिखाते हैं। डेटम का रेफरेंस इसमें होता है और एमएमसी और एलएमसी की एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं होती है। और अगर ड्रॉइंग की बात करें दोस्तों, तो ड्रॉइंग में हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यानी कि टोटल रनआउट जो है 0.03 में चाहिए डेटम ए के रेफरेंस से। तो दोस्तों अगर मेजरमेंट की बात करें तो अभी हमने सर्कुलर रनआउट देखा था, तो सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट में डिफरेंस दोस्तों यही होता है कि डेटम के मैंने वहां पर भी फिक्स किया था, डेटम को यहां पर भी फिक्स करूंगा और इसको 360 डिग्री में रोटेट करूंगा, लेकिन सर्कुलर रनआउट में मैं सिर्फ एक पॉइंट में एक सर्कल घुमाता हूं 360 डिग्री और जो वेरिएशन मुझे दिखाता है वो मेरा हो जाता है सर्कुलर रनआउट। लेकिन टोटल रनआउट में मैं पूरे सरफेस को कवर करता हुआ मैं रोटेट करूंगा पार्ट्स को, बार बार 360 डिग्री में रोटेट करूंगा और जो मेरा टोटल वेरिएशन दिखाएगा वो मेरा हो जाएगा टोटल रनआउट। तो दोस्तों सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट का डिफरेंस बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमने सर्कुलरिटी या कोएक्सेलिटी और हमने कंसेंट्रिसिटी को देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी डिफरेंस बनता है। दोस्तों ये हो गया ब्रीफ में GDNT का प्रोग्राम आपके लिए। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया दोस्तों तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और अपने सुझाव भी आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट सुझाव हमको मोटिवेट करते हैं हमारे प्रोग्राम में मॉडिफाई करने के लिए और प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए। आप अगर किसी नए टॉपिक में भी प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं तो उसका सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं और उसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को जरूर विजिट करें और हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय करने के लिए आप courses.qualityhubindia.com पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं और कोर्सेज को आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से या पेटीएम या बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों आप उसे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आप स्टडी शुरू कर सकते हैं। अपने कन्वीनियंस अपने पेस से आप स्टडी कर सकते हैं और घर बैठे आप टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन और सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी पे दोस्तों आप हमें हमारे मेल आईडी पे या फोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।